हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एमसीएक्स कमोडिटी में सिल्वर में कैसे काम करते हैं, उसका लॉट साइज कितना होता है, उसका प्रॉफिट रेशियो कैसा होता है, क्या क्या अलर्ट होना है, कहाँ पे अलर्ट होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आज हम एमसीएक्स कमोडिटी में, मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, गोल्ड में कैसे कारोबार होता है वो हम जान के लेंगे। गोल्ड में चार टाइप काम होता है। एक होता है गोल्ड पेटल। पहले हम गोल्ड पेटल के बारे में जानेंगे। गोल्ड पेटल ये 1 ग्राम का होता है। एक सेकेंड, 1 ग्राम का होता है। जैसे कि अगर आप 1 लॉट बाय करते हो तो 1 रुपये आपको बेनिफिट होता है। मान के चलो अभी लाइव रेट चल रहा है, अभी लाइव में दिखा रहा हूँ आपको, लाइव है 4648, इसका अभी लाइव प्राइस है। और अगर यहीं पर आप अगर 10 क्वांटिटी बाय करते हो, बराबर, या 5, मिनिमम 5 पकड़ो, अगर अभी 20 पॉइंट माइनस है। गोल्ड पेटल में 1 रुपये को 1 रुपये होता है। जैसे मान के चलो अभी ये 50 रुपये ऊपर गया, ये नीचे गया, तो 50 के हिसाब से उसका हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है गोल्ड गुनिया होता है 22 कैरेट का होता है, 22 कैरेट्स का। उसका प्राइस देखिए कैसा है, 37489। इसका भी सेम कंडीशन है, 1 रुपये का मूवमेंट, 1 रुपये प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा। मान के चलो अभी आपने 37489 को अभी समझो आपने एक लॉट सेल किया, और समझो आपने 37400 पर बाय किया, तो आपको 89 रुपीज़ प्रॉफिट होता है उसका। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ डिटेल्स में, इन्फो में, ये देखिए, बोर्ड लोड क्वांटिटी 8, टिक साइज 1, मार्केट टाइप, ऐसा ये सब इसमें डिस्क्रिप्शन। ये जो ऐप है ये है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ का है। यहाँ पर हम एमसीएक्स कमोडिटी में अगर ट्रेडिंग करना हो तो फ्री ऑफ अकाउंट ओपनिंग होता है। जो भी आप ट्रेडिंग करते हो तभी आपको उसका चार्ज लगता है। चार्ज आपको मिनिमम 0.01% लगता है। जैसे कि मानो अगर 1 लाख का टर्नओवर होता है तो 10 रुपये आपका ब्रोकरेज जाता है, ठीक है। पहले हमने देखा गोल्ड पेटल, दूसरा है गोल्ड गुनिया, तीसरा आता है गोल्ड मिनी। गोल्ड मिनी ये होता है 10 ग्राम का होता है। एक सेकेंड, इसका भी आपको मैं डेप्थ में जाके दिखाता हूँ आपको। गोल्ड मिनी होता है 10 ग्राम का, मतलब 1 तोले का। इसका मूवमेंट कैसा होता है, 1 रुपये का मूवमेंट हुआ तो 10 रुपये के हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है। मान के चलो अभी रेट कितना चल रहा है, अभी 46,454, बराबर। अगर हम यहाँ से, अभी मार्केट माइनस चल रहा है इसलिए मैं आपको सेलिंग का ही बताता हूँ, 45,460 अभी है। अगर मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी सेल किया, 464 पर एक क्वांटिटी सेल किया और 46,400 पर मैंने बाइंग कर दिया, मतलब बाइंग का ऑर्डर पोजीशन सिक्योर अप किया, तो 60 रुपीज़ होता है। 60 × 10, 600 रुपीज़ आपको इधर प्रॉफिट होता है। उसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर 1 लॉट आप बाई करते हो तो आपको 4,60,000 का टर्नओवर होता है वन साइड, और टू साइड अगर बाइंग सेलिंग करोगे तो आप 9 लाख तक उसका टर्नओवर होता है, ठीक है। जो न्यू इन्वेस्टर है, बिगिनर, उनके लिए गोल्ड गुनी में आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब इसमें कैसा है कि लॉस कम, प्रॉफिट भी कम, मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, ठीक ठाक होता है। और थोड़ा जो स्टेबल है, उनको मार्केट में ज़्यादा नॉलेज है और बहुत दिनों से, उनके लिए गोल्ड मिनी एक सिंपल
आपको मिनिमम 1000 रुपीज पर डे अर्न कर दे सकता है। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस और मार्केट वॉच होना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो, अभी करंट है, अभी 321 पॉइंट माइनस है। अगर यहाँ पे मैं अगर एक क्वांटिटी सेल करता हूँ और 8:30 बजे में बाई करता हूँ, तो शॉर्ट मुझे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। तो 100 पॉइंट्स मिलने के बाद आपका समझो 100 पॉइंट मतलब 1000 रुपीज़ आपको इधर अर्न हो गया। इसमें ये हो गया गोल्ड मिनिंग का, ठीक है। पहले हमने देखा सिल्वर में और अभी देखा हमने गोल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रूड ऑयल का एक्सप्लेन करेंगे, क्रूड ऑयल में कैसे काम होता है, लॉट साइज कितना होता है, प्रॉफिट लॉस रेशियो कितना है, और अलर्ट क्या क्या अलर्ट होता है वो हम जानने के लेंगे। गोल्ड में भी हमने यही जाना है, गोल्ड में भी अलर्ट होना पड़ता है। एक तो हेवी ट्रेडिंग करना नहीं है, दूसरा एवरेज करना नहीं है। चौथा सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत एंट्री करना नहीं है, पहला मार्केट को स्टेबल होना है, बाद में हमें डिसाइड करना है कि हम पोजीशन सेलिंग में रहे या बाइंग में रहे, ठीक है। एक मान के चलो, अगर आपको लगता है कि डाउन साइड जाएगा तो आप हमें एवरेज करना नहीं है, हेवी लॉट्स बाय करना नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइबर। मैं ऐसे ही आपको नए नए वीडियो बनाते रहूँगा, सिर्फ आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग ओ माई वीडियो।